हाय एवरीवन, क्यूट आयुष के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखिए, मैं बैंगन आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो आप लोग के साथ में रेसिपी करती हूँ। अब मैं बैंगन और आलू को काट के दिखाता हूँ। पहले मैंने आलू को छीलूँगा, इसके बाद काट को आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आलू बैंगन को काट लिया है, इसके बाद मैंने बॉस भी कर लिया। ये देख सकते हैं, मैंने दो टमाटर लिया, टमाटर को भी बॉस करके रखा हूँ। ये देखिए, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। दो कलियाँ लहसुन के लिए अब जा रही हूँ, मैं इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए, मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया। इसमें मैंने थोड़ी से देखिए 15-20 जीरे की कलियाँ मैंने डाल दी हैं। अब ये देखिए छटक रहे हैं। जब इस देखिए, अब मैं देखिए इसी बीच में आलू डाल रही हूँ। देखिए, इधर में मसाला तैयार करते, जो दो लहसुन की कलियाँ दिखाई थी उसको मैंने पीस ली। इसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर ली, थोड़ी सी जीरा और गोलकी की पाउडर। ये देखिए, मैंने मिर्च पाउडर 1 चम्मच ली है, काहे कि हमको तीखी पसंद है। आप अपने अनुसार ही जितना आप लोग तीखी खाते हैं उतना लें। ये देखिए, आलू भी अच्छे तरह से सूख गए हैं। इसमें मैंने अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ, ताकि वो आलू में नमक घुस जाए। अब इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ, 1 से 2 मिनट में इसको चला लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट नमक डालकर भी फ्राई कर ली हूँ, फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें जो ने मसाला बनाया था, इसमें थोड़ी सी पानी डाल कर मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए, डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भूंज लेती हूँ 4 से 5 मिनट। ये देखिए, मसाला 4 से 5 मिनट भूंज रही है। ये देखिए, इसमें मैं बैंगन डाल देती हूँ, बैंगन डाल के जब अच्छी तरह से भूंज लेती हूँ। ये देखिए, मैंने टमाटर को भी काट लिया, ये टमाटर को भी मैं इसी में डाल के अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, कितना अच्छा रंग आया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, ऐसे ही भूनते भूनते ये देखिएगा वो सब्जी बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। आप लोग भी ऐसा बना के खाएं। ये देखिए, मैंने धीमी ताव पे करके इसके बिना पानी डाले इसको कितने अच्छे से बनाए हैं, देखिए आप सब देख सकते हैं। देखिए, आलू भी पूरा अच्छे तरह से हो चुके हैं। ये देखिए, पूरे अच्छे तरह से आलू हो चुके हैं, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, और अच्छी तरह से हो भी गए। आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ाई में तेल छोड़ चुके हैं। आप लोग भी ऐसा बना के खाएं, बहुत ही तुरंत झटपटा बनाने वाली है, बच्चों को भी अच्छे लगेंगे। प्लीज़ अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। इसको अब गर्म गर्म सर्व करें, रोटी के साथ या चावल का रहती दोनों के साथ, पूरी के साथ तो और ही ज़्यादा ये सब्जी टेस्टी लगते हैं।